अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे कैरियर से। आज मैं करने जा रही हूँ पिंक फूड चैलेंज। ये एक्चुअली बहुत ट्रेंड में था 1 ईयर बैक, तो मैंने सोची अभी कर लो। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मेरा ये फूड चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। बालकनी में आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छा क्लाइमेट हुआ हुआ है। अभी रिसेंटली मैं अपनी मम्मी की इधर आई हूँ। जो आप कैलीग्राफी देख रहे हैं वॉच वाली और ये दूसरी, ये दोनों मैंने बनाया है, तो आप जरूर बताना आपको कैसा लगा। चलो हमारा पिंक फूड चैलेंज स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है आपको बता देती हूँ। तो मेरे को जो भी पिंक कलर की पैकेजिंग दिखी मैंने ले लिया है। तो सबसे पहले मैंने ये जिमीज कॉकटेल लिया है, बाइट करके है, ये ब्लूबेरी ड्रिंक है। और मैंने कश्मीरी टी लिया है, ये मैंने सुना है पिंक कलर का होता है। एल्पेनलीबे लिया है मैंने, फ्रूटले लिया है मैंने, पैनकेक लिया है मैंने। ये पिंक कलर में मैं एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है। आपको मैं पिंक फूड चैलेंज का रूल्स बता देती हूँ। तो रूल्स ऐसा है कि हम पिंक कलर लाने के लिए आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम सब्ज़ी या किसी चीज़ से पिंक कलर लाना है हमें। और सेकेंडली ये मैं 24 आवर्स के लिए करने वाली हूँ। तो लाइक सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और हमारा डिनर, ये पूरा 24 आवर्स के लिए पिंक फूड हम खाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वाटर बना लेते हैं पिंक कलर का। हम पूरे दिन पिंक कलर का वाटर भी पियेंगे, तो उसके लिए मैंने ड्रैगन फ्रूट लिया है और कुछ अनार लिया, और मैंने छुरी भी जो लिया है वो पिंक कलर की है। तो सबसे पहले मैंने एक जग में पानी ले लिया है और उसमें हमारा ड्रैगन फ्रूट और अनार उसमें डाल के मैं 5 मिनट्स के लिए रख दूंगी और ये ऑटोमेटिक पिंक कलर आ जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एकदम पिंक कलर आ चुका है। तो मैंने इसमें पूरा पानी फिल कर लूंगी ऊपर तक और मैं पूरा दिन यही पानी पीऊंगी। तो मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। बनाने जा रही हूँ कश्मीरी टी। तो उसके लिए मैंने 2 कप पानी ले लिया है, क्योंकि मैं 2 पाउच बनाने वाली हूँ। इसमें ऐसे करके पाउचेस आते हैं, तो मैं ये 2 पाउच बनाने वाली हूँ एक साथ। मैंने पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब मैं इसमें हमारा जो पाउच में कश्मीरी टी था वो डाल, तो ये मुझे किसी भी एंगल से पिंक कलर नहीं दिख रहा है। तो मैं इसको अच्छे से पका लूँगी और मैं ये किसी और को पीने के लिए दे दूँगी। हम इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इसमें ड्रैगन फ्रूट डाल के इसको पिंक कलर बना सकते हैं, बट ये वेस्ट हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो ये अच्छा टेस्ट करेगा। तो मैं इसको एक फ्लॉप देती हूँ, तो इसको हम नहीं पियेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पिंक, तो ये मैं मम्मी डैडी को दे दूँगी पीने के लिए। और जो हमने फ्लटी बाइट्स लिया था मैं उससे काम चला लूँगी। अब मैं ब्रेकफास्ट के लिए बनाने जा रही हूँ पैनकेक। तो मैंने ये बॉक्स लिया है पैनकेक का और मैं ये पिंक कलर का इनोवेशन करने वाली हूँ। तो मैंने ड्रैगन फ्रूट को थोड़ा पानी ले लिया है, उसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, तो ड्रैगन फ्रूट का पिंक कलर आ गया है। तो अभी मैंने जो इसमें पैनकेक का मिक्सचर था उसमें ये डाल के इसको अच्छे से लिक्विडिक पेस्ट बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा पिंक कलर आ गया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं ऑयल थोड़ा ग्रीस कर लूँगी अच्छे से, और मेरा जो पैनकेक मिक्स है वो इसमें मैं उसका पेस्ट, छोटे छोटे पैनकेक बनाने वाली मिनी साइज़ के, तो मैं उस हिसाब से डाल दूँगी। Thank you.
तो हमारा पैनकेक रेडी हो गया है बनके और ये एकदम पिंक कलर का दिख रहा है, तो हम चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैं रात के डेजर्ट के लिए बनाने जा रही हूँ आइसक्रीम पिंक कलर की, तो मैंने ये मोल्ड ले लिया है और मैंने कुछ अनार ले लिया है और मैंने ड्रैगन फ्रूट ले लिया है और मैंने ये कोकोनट वाटर लिया है पेपर बोट का। आप नॉर्मल भी नारियल पानी जो आता है वो ले सकते हैं। तो मैंने ये मोल्ड में सबसे तो कोकोनट वाटर सबसे पहले मैं सारे मोल्ड में अच्छे से पोर कर लूँगी। तो मैं सिर्फ 4 मोल्ड में बना रही हूँ, तो मैं सिर्फ 4 मोल्ड में डालने वाली हूँ और उसके बाद एक एक करके मैं सारे फ्रूट इसमें डाल दूँगी और ये इंशाल्लाह रात तक ये पिंक कलर ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। लंच के लिए मैं बनाने जा रही हूँ पिंक कलर का फ्राइड राइस। मैं तीनों कलर के शिमला मिर्ची ले लिया है और मैंने 1 अनियन को चॉप कर लिया है, मैंने कुछ कैबेज ले लिया है और मैंने कुछ कैरेट ले लिया है, उसको चॉप कर लिया दोनों को, और मैंने बीटरूट को ग्रेट कर लिया अच्छे से। तो चलो हम बनाते। तो मैंने एक पैन ले लिया, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और मैंने अनियन डाल दिया। अब इसको थोड़ा सॉटे कर लेंगे हम। हमारी सारी वेजीज हम डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। तो हमारा पिंक कलर का फ्राइड राइस रेडी हो गया है बनके मेरे लंच के लिए। तो मैं लंच करके फिर आपको बाद में मिलती हूँ। अब बज रहे हैं रात के 7 और मैं डिनर के लिए कुछ बनाने जा रही हूँ क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है। तो मैं डिनर के लिए बनाने जा रही हूँ पास्ता। तो उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है चलो आपको बता देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले 2 चीज़ लिया है और मैंने कुछ कैरेट लिया है, बेबी कॉर्न लिया है मैंने, मशरूम लिया है मैंने, फिर मैंने ये ग्रीन कलर की शिमला मिर्ची लिया है, कुछ अनियन को ग्रेट कर लिया है, येलो कलर की कैप्सिकम लिया है, रेड कलर की कैप्सिकम लिया है और मैंने ये मैदा लिया है 1 स्पून और मैंने बीटरूट को ग्रेट करके ले लिया है और मैंने ये जो छुरी लिया है वो भी पिंक कलर की लिया है और मैंने स्पून भी पिंक कलर की लिया है। मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, उस पर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया और मैंने हमारा जो अनियन है चॉप किया हुआ वो डाल दिया और इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे हम। हमने जो भी वेजेस लिया है सब इसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स करके सॉटे कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो हमारा वेजीज सॉटे हो गया। अब हमने जो मैदा लिया था 1 टेबलस्पून वो हम इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा सारा वेजीज अच्छे से सॉटे हो गया है। अब मैं ये 3 टेबलस्पून इसमें मिल्क डाल दूंगी। आप अपने अंदाजे से डाल देना, जितना आपको लिक्विडी चाहिए उस हिसाब से आप डाल देना। और मैं अभी इस स्टेज पे मैं इसमें पिंक कलर लाने के लिए कुछ बीटरूट डाल दूंगी। बीटरूट को मैंने ग्रेट करके रखा था वो डाल दूंगी। तो मैं अंदाजे से डालूंगी कि जितना मेरा पिंक कलर अच्छा आ जाए।
साइड में मैंने कुछ पेनी पास्ता ले लिया है, उसको मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी। मैं इसको कुछ अराउंड 90% ही बॉईल करूँगी। तो हमारा पास्ता अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो हमारा साइड में जो है ग्रेवी भी बन चुका है। अब उसमें हम ये पास्ता डाल देते। चलो मैं इसमें कुछ चिली फ्लेक्स डाल दूँगी और कुछ ओरिगेनो डाल दूँगी। मेरा पास्ता रेडी हो गया, पिंक कलर का पास्ता रेडी हो गया है बनके। और चलो मैं डिनर कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो मॉर्निंग में जो मैंने आइसक्रीम रखा था वो मैं देख लेती हूँ कैसा है। तो मैं फर्स्ट आइसक्रीम निकाल के देख लेती हूँ कि अच्छे से जम गया है कि नहीं। तो ये परफेक्टली जम चुका है। चलो इसका टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट में पर्सनली आई डोंट लाइक द फ्लेवर। मे बी मैं नॉर्मल कोकोनट वाटर लेती तो ज़्यादा अच्छा लगता, तो मैं ये नहीं खाने वाली हूँ। तो मैं ये साइड में रख दूँगी और मैंने जो एल्पेनलीबे लिया है वो ट्राई करते हैं, देखते हैं वो पिंक कलर का है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पिंक के साथ वाइट भी मिक्स है, तो ये भी मैं खा नहीं सकती हूँ। तो फ्रूटेला मैंने लिया है, वो फ्रूटेला ट्राई करते हैं। तो फ्रूटेला देख लेते हैं। तो फ्रूटेला परफेक्टली पिंक कलर है, तो मैं ये खा के काम चला लूँगी। मैं 2-3 फ्रूटेला खा लूँगी और इसी के साथ मेरा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।